हेलो एवरीवन। सो बीटेक कोर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है और ये कह सकते हैं एक तरीके से कि आखिरी मौका है आप लोगों के लिए, जिसमें थर्ड राउंड के अंदर आप लोगों को फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने को भी मिल रहा है। जी हाँ, जो स्टूडेंट राउंड वन अटेंड कर चुके हैं, राउंड टू अटेंड कर चुके हैं, उसके बाद राउंड थ्री आपका स्लाइडिंग राउंड के साथ साथ में होने जा रहा है, जिसके लिए नोटिफिकेशन आई है बिल्कुल फ्रेश आप लोगों के पास, जिसके अंदर मेंशन करा गया है कि अगर आपने अभी तक अपना काउंसलिंग का फी पेमेंट नहीं करा था तो 1000 रुपये की फ़ी पेमेंट देके आप यहां से अपने काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। इवन अगर आपने अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं करी है तो 2500 रुपये देके आप अपने इस काउंसलिंग के अंदर राउंड थ्री में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। 10 से लेके 11 तारीख के बीच में ये विंडो ओपन होगा, तो मात्र 2 दिन का वक्त आप लोगों को दिया गया है आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो आपको इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। जैसे ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद 10 से 14 तारीख के बीच में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इससे आप लोगों का कुछ भी लेना देना नहीं होता, ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक होती है तो यूनिवर्सिटी आपको इंटीमेट कर देती है। देन जैसे आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा 10 से लेकर 14 तारीख के बीच में, यानी कि जैसे ही आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा वैसे ही आप लोगों की चॉइस फिलिंग भी चालू हो जाएगी, तो 10 से 14 तारीख के बीच में आप लोग अपना ऑनलाइन काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। और ये चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करेगी, क्योंकि दिस विल बी योर लास्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस आपको फिल करनी है ताकि आपको एक एटलीस्ट कॉलेज कोई ना कोई सा जो है अलॉट हो जाए। तो ये है अभी तक का गाइडलाइंस आप लोगों के लिए। बाकी जो रिजल्ट होगा आप लोगों का, इस राउंड का रिजल्ट आएगा 16 अगस्त या फिर 17 अगस्त को, आप लोगों को इसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर देगी यूनिवर्सिटी। उसके बाद रिपोर्टिंग के लिए जैसे आप लोगों का टाइम पीरियड आएगा मैं आपको बिल्कुल अपडेट करूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपने एडमिशन प्रोसेस के अंदर। सो बीटेक में अगर अभी तक आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म मैंने नीचे दे दिया है आप लोगों को, काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प के लिए और कंफर्म एडमिशन के लिए आप फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें हम अपने काउंसलर्स के थ्रू आप लोगों को कनेक्ट करते हैं ताकि आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल सके आईपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस और ऑनलाइन काउंसलिंग के सिस्टम के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।